डॉट मनसुख मंडाविया ने पीएलआई योजना के तहत 27 ग्रीनफील्ड बल्क ड्रग पार्क परियोजनाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए 13 ग्रीनफील्ड विनिर्माण संयंत्रों का उद्घाटन किया। पीएलआई योजना महत्वपूर्ण संसाधनों पर भारत की निर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के जोखिम और उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर व्यापक विचार विमर्श का परिणाम है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। उल्लेखनीय है कि आज भारत ने न केवल दवाओं, एपीआई और चिकित्सा उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम की है, बल्कि पीएलआई योजना की सफलता के कारण देश इन उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक भी बन रहा है। जल्द ही पेनिसिलिन जी भारत में बनाया जाएगा। पिछले 30 साल से भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है। अब आत्मनिर्भर भारत के तहत हम देश में ही इसका उत्पादन करेंगे। पीएलआई योजना में कुल 41 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 41 थोक दवाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। 6,940 करोड़ योजना के कार्यकाल के दौरान 2020 से 21 से 2029 से 30 तक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए 26 आवेदकों को पीएलआई योजना के तहत 138 उत्पादों के लिए 3,420 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है 2020 से 21 से 2027 से 28 की अवधि के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज यहां 27 ग्रीनफील्ड बल्क ड्रग पार्क परियोजनाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए 13 ग्रीनफील्ड विनिर्माण संयंत्रों का वस्तुतः उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मंडाविया ने कहा, दवाएं किसी भी समाज के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने के खतरे, थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के आयात पर अत्यधिक निर्भर होने के जोखिम और भारत के फार्मा और मेडटेक क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभावों के कारण काफी मंथन हुआ। संघ सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना इन व्यापक चर्चाओं का परिणाम है। पीएलआई योजना के तहत इन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के उद्घाटन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह उल्लेखनीय है कि आज भारत ने न केवल दवाओं, एपीआई और चिकित्सा उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम की है, बल्कि देश एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भी उभर रहा है। इन उत्पादों के लिए पीएलआई योजना की सफलता के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार की पीएलआई योजना ने स्थानीय स्तर पर विनिर्माण के लिए 48 महत्वपूर्ण थोक दवाओं की पहचान की है। इस उद्घाटन योजना की सफलता ने सरकार को रुपये लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया। 15,000 करोड़ रुपए की पीएलआई दो योजना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दवाओं और चिकित्सा उत्पादों के लिए हमारी लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। महत्वपूर्ण दवाओं और सक्रिय दवा सामग्री एपीआई के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा पेनिसिलिन जी का उदाहरण दिया, जो 1980 के दशक के अंत तक भारत में स्थानीय रूप से निर्मित की जाती थी। वैश्वीकरण के कारण पेनिसिलिन जी के आयात के कारण भारत में ऐसे सभी संयंत्र बंद हो गए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार 3 दशकों के बाद भारत में पेनिसिलिन जी का उत्पादन वापस लाने पर काम कर रही है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने संकट को अवसर में बदलने की मानसिकता के साथ कोविड-19 महामारी का सामना किया। उन्होंने इस तरह के दृष्टिकोण के प्रदर्शन के रूप में भौतिक और डिजिटल दोनों सहित आत्मनिर्भरता, नवाचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में प्रशासन के प्रयासों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अरुणीश चावला, सचिव फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने केंद्र सरकार की पीएलआई योजना पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि भारत में दवा और फार्मास्यूटिकल उद्योग ने पिछले 10 वर्षों में 12% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR देखी है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पीएलआई योजना के तहत भारत में 1800 फार्मास्यूटिकल उत्पाद और फॉर्मुलेशन और 22 थोक दवाएं निर्मित की जाएंगी। ये भी बताया गया कि जब पीएलआई योजना आई तो भारत 90% चिकित्सा उपकरणों का आयात करता था। पीएलआई योजना की शुरुआत के बाद 2023 में पहली बार चिकित्सा उपकरणों का शुद्ध आयात कम हुआ। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ बल्क ड्रग प्लांट्स इनॉग्रेटेड टुडे। 1. मेक मनी LLP पारा अमीनो फिनॉल दहेज गुजरात। 2. साधना नाइट्रोकेम लिमिटेड पारा अमीनो फिनॉल।
रायगढ़ महाराष्ट्र 3 एमएनआर फार्मा पीवीटी लिमिटेड 1 साइक्लोहेक्सेन डायसेटिक एसिड CDA संगरेडी तेलंगाना 4 हिंदी स्लैब पीवीटी लिमिटेड 1 साइक्लोहेक्सेन डायसेटिक एसिड CDA नलगोंडा तेलंगाना 5 एसाइक्लोवियर 6 क्रिएटिव एक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड डाइक्लोफेनाक सोडियम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 7 दसामी लैब पीवीटी लिमिटेड कार्बामाज़ेपीन नलगोंडा तेलंगाना 8 ऑक्सकाबेज़ेपाइन 9 हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड काबाडोपा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 10 लीवाडोपा 11 लेवाफ्लोसिसिन संगरेडी तेलंगाना 12 ऑक्सकाबेज़ेपाइन 13 ऑनर लैब लिमिटेड लेविटिरिसिटम संगरेडी तेलंगाना 14 वालसाटन 15 लोपीनवीर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 16 विटामिन बी 6 17 एनसीएल लैब प्राइवेट लिमिटेड लोसाटन नलगोंडा तेलंगाना 18 ओल्ड मेसर्टन 19 आंध्र ऑर्गेनिक्स लिमिटेड सल्फाडियाजीन श्रीकुकालम आंध्र प्रदेश 20 टेलमिसाटन 21 अमोली ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमी 21 अमोली ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड डाइक्लोफेनाक सोडियम वापी गुजरात 22 सिम्बायोटेक फर्माला प्राइवेट लिमिटेड प्रेडनिसोलोन धर MP 23 हेजलो लैब PVT लिमिटेड विटामिन B6 यदाद्री डिस्ट तेलंगाना 24 अविरन फर्माचेम प्राइवेट लिमिटेड आत्सनेट मेहसाना गुजरात 25 सेंट्रायंट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अटोवास्टैटिन नवानशहर पंजाब 26 ग्लोबेला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नॉफ्लोसिसिन भरूच गुजरात 27 ओफ्लोक्सिसिन द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लांट्स इनॉग्रेटेड टुडे 1 पैनेसिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लिनियर एक्सेलरेटर LINAC रोटेशनल कोबाल्ट मशीन कोलार कर्नाटका 2 फिलिप्स ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज LLP MRI कॉइल्स तालुका खेड पुणे महाराष्ट्र 3 सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड CT स्कैन एंड MRI होसूर रोड बेंगलुरु 4 विप्रो GE हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड TS2 CT स्कैन कैथ लैब एंड अल्ट्रासोनोग्राफी बेंगलुरु कर्नाटका 5 त्रिवित्रन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड एक्सरे इक्विपमेंट सी आर्म मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी रायगढ़ मी रायगढ़ महाराष्ट्र एंड वाइजाग AP 6 अलाइड मेडिकल लिमिटेड एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन एनेस्थीसिया यूनिट गैस स्कैवेंजर्स एनेस्थीसिया किट्स मास्क एनेस्थीसिया यूनिट वेपराइजर्स Anesthesia unit ventilators, automated external defibrillators, AEDs, biphasic defibrillators, infusion pumps, syringe and volumetric, etc. Karoli, Alwar, Rajasthan. 7. Microtech New Technologies Private Limited. Oxygen concentrators. Badi, Solan, Himachal Pradesh. 8. Nipro India Corporation Private Limited. Dialyzer. Satara, Maharashtra. 9. Poly Medical Limited. Dialyzer, Dialysis Machine, Peritoneal Dialysis Kits, Fistula, Bloodline and Transducer Protector. Faridabad, Haryana. 10. Magic Medical Solutions Private Limited. Catheter Tubing, Cardiovascular, Microcatheter Tubing, Neurovascular. Hyderabad, Telangana. 11. Envision Scientific Private Limited. Stents and PTCA Balloon Catheter. Sachin, Surat, Gujarat. 12. Involution Healthcare PVT. Limited. Stents. Jaipur, Rajasthan and Vizag, AP. 13. Sajanand Medica. Technologies Private Limited. Stents. PTCA Balloon Catheter. Surat, Gujarat and Sangareddy, Telangana. Prishthbhumi. Bulk Drug Park. Bharat Matra ke hisab se dawaon aur pharmaceuticals mein teesra sabse bada khiladi hai. जिसका अनुमान है कि 2022-23 में उद्योग का आकार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा और उत्पादन का 50% निर्यात होगा।
2030 तक इसका आकार लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग, जिसे अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बढ़ावा देने में बहुत योगदान देता है। कुल वैश्विक जेनेरिक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ भारत मात्रा के हिसाब से जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा प्रदाता है। इसमें अमेरिका के बाहर USFDA द्वारा अनुमोदित संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है और देश में 2000 से अधिक WHO GMP प्रमाणित संयंत्र हैं। जबकि भारत ने फॉर्मुलेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, कुछ महत्वपूर्ण थोक दवाओं के लिए आयात निर्भरता रही है, जिसकी भेद्यता COVID-19 महामारी के समय तीव्रता से महसूस की गई थी। देश आयात पर निर्भर कच्चे माल यानी थोक दवाओं पर कीमत और आपूर्ति जोखिम के प्रति भी संवेदनशील है। देश में थोक दवाओं की आयात निर्भरता लागत संबंधी विचारों और फॉर्मुलेशन की ओर उद्योग के बदलाव के कारण हुई है, जिसे अधिक लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा थोक दवाओं के लिए नियामक आवश्यकताएं अधिक कठोर हैं, क्योंकि आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा किया जाना है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आयात निर्भरता को कम करने और देश में महत्वपूर्ण आयात पर निर्भर थोक दवाओं प्रमुख शुरुआती सामग्री KSM दवा मध्यवर्ती और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री API में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने लॉन्च किया था। 4 अलग अलग लक्ष्य खंडों में ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करके उनके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना यानी लक्ष्य खंड 1 और 2 किन्वन आधारित है और लक्ष्य खंड 3 और 4 रासायनिक संश्लेषण आधारित है। इस योजना में कुल रू के परिव्यय के साथ 41 थोक दवाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। 6,940 करोड़ योजना के कार्यकाल के दौरान यानी 2020-21 से 2029-30 तक इस योजना में किन्वन आधारित थोक दवाओं की पात्र बिक्री पर पहले 4 वर्षों के लिए 20%, 5वें वर्ष के लिए 15% और 6ठे वर्ष के लिए 5% की दर से प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। रासायनिक संश्लेषण आधारित थोक दवाओं के संबंध में पात्र बिक्री पर 6 वर्षों के लिए 10% की दर से प्रोत्साहन दिया जाना है। थोक दवाओं के लिए PLI योजना से आयात निर्भरता कम होगी और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बेहतर होगा। योजना के प्रतिभागियों द्वारा दिसंबर 2023 तक 3,651 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही किया जा चुका है। बढ़े हुए निवेश से महत्वपूर्ण थोक दवाओं के लिए स्थानीय क्षमता निर्माण हुआ है, जिन पर देश आयात पर निर्भर था। किन्वन आधारित विनिर्माण में निवेश भी क्षेत्र में हमारी ताकत की फिर से खोज का संकेत देता है, जो सस्ते आयात के कारण प्रभावित हुआ था। PLI योजना महत्वपूर्ण API के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। यह योजना भारत की फार्मास्यूटिकल आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। PLI योजना के माध्यम से बढ़ी हुई थोक दवा उत्पादन क्षमता भारत को न केवल तैयार फॉर्मुलेशन का उत्पादक बनाती है, बल्कि कच्चे माल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी बनाती है। ये भारतीय कंपनियों को जटिल API के निर्माण के लिए क्षमताएं और प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करता है। योजना के तहत परियोजनाओं को फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और सरकारी विभागों में आवश्यक विनियामक सुव्यवस्थित बनाकर सहायता प्रदान की जाती है। थोक दवाओं के लिए PLI योजना ने भारत के थोक दवा उद्योग को पुनर्जीवित करने की नींव रखी है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करना है। चिकित्सा उपकरण उद्योग को भारत के उभरते क्षेत्रों में से एक माना जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से भारत दुनिया के सबसे तेजी से उभरते मेडिकल डिवाइस बाजार में से एक है। इस क्षेत्र से निर्यात लगभग 14% CAGR से लगातार बढ़ रहा है। भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग का बाजार वर्तमान में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और 2050 तक इसके 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिर्माण विकलांगता की लागत से पीड़ित है। अन्य बातों के अलावा पर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद की कमी, वित्तीय उच्च लागत, सीमित डिजाइन क्षमताओं, अनुसंधान पर कम फोकस के कारण और विकास R&D आदि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सीमाओं को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पादन लिंक प्रोत्साहन
PLI योजना शुरू की थी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माताओं के लिए एक समान अवसर। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3420 करोड़ रुपए है 2020-21 से 2027-28 की अवधि के लिए। योजना के तहत चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री के 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है और योजना के 4 लक्ष्य खंडों के अंतर्गत कवर किया जाता है, यानी 1 कैंसर देखभाल उपकरण, 2 इमेजिंग उपकरण, 3 क्रिटिकल केयर उपकरण और 4 शारीरिक प्रत्यारोपण। योजना के तहत 138 उत्पादों के लिए कुल 26 आवेदकों को मंजूरी दी गई है। लगभग रू का निवेश। योजना के तहत क्षमता निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपए पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उपरोक्त 13 ग्रीनफील्ड संयंत्रों का उद्घाटन चिकित्सा उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। वैज्ञानिकों, जैव चिकित्सा इंजीनियरों के व्यापक आधार और देश में बढ़ते नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारत में टेक क्षेत्र तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। भारतीय निर्माता लगातार इनोवेशन कर रहे हैं। पीएलआई योजना के तहत रेडियोथेरेपी के लिए लीनियर एक्सीलरेटर और विकसित कोरोनरी स्टेंट जैसे कैंसर देखभाल उपकरणों का स्वदेशी विकास इसका शानदार उदाहरण है। पीएलआई योजना निर्माताओं को नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना ने हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हुए उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम किया है। पीएलआई योजना भारत के लिए चिकित्सा उपकरणों के निर्यात में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने का अवसर पैदा करती है। यह योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटक और उपघटक शामिल हैं। श्री कमलेश के पंत, अध्यक्ष, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA, इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के महासचिव डॉक्टर शैलेश के पाठक और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। This green certificate acknowledges the planting of 10 trees in the honor of the Honorable Minister at Village Fatehabad in Haryana. Our Secretary General, Sri S.K. Pathak, doing us the honors of presenting the green certificate and this plant. हम हार्दिक अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं श्री राजेश कुमार सिंह का, सचिव DPRIIT जी। मैं माननीय डॉक्टर अरुणीश चावला जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि का स्वागत के साथ करें। और अब मैं सेक्रेटरी जनरल फिक्की श्री एस के पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि को ग्रीन सर्टिफिकेट और इस पौधे की भेंट के साथ उनका स्वागत करें। आज इस अवसर पर हमारे बीच मंच पर आसीन है श्री कमलेश कुमार पंत, चेयरमैन NPPA। मैं एक बार फिर डॉक्टर चावला से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि का स्वागत फूलों की भेंट के साथ करें। हमारे सेक्रेटरी जनरल से अनुरोध है कि वे कृपया माननीय अतिथि का स्वागत ग्रीन सर्टिफिकेट और पौधे की भेंट के साथ करें। आज हमारे बीच मंच पर आसीन है डॉक्टर अरुणीश चावला, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। मैं श्री एस के पाठक, सेक्रेटरी जनरल KT से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि का स्वागत ग्रीन सर्टिफिकेट और इस पौधे की भेंट के साथ करें। It's indeed my privilege and honor to welcome Dr. Mansukh
Montreal. Honorable Minister for Health and Family Welfare, Chemical and Fertilizer, for sparing time from his extremely busy schedule to grace this momentous occasion. Ladies and gentlemen, today is a big day. After years of hard work, 40 greenfield projects, plants, manufacturing bulk drugs and medical devices, which hitherto were almost entirely imported in the country, will be launched by the Honorable Minister today. I am unrelenting support to this scheme. Without him, the PLI scheme that you see getting launched today would not have come to fruition. We are grateful to Secretary General Sikkim, Dr. Sailesh Pathak, for playing host and providing full support of the Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry to this occasion. I welcome our friends from the media who've turned up in large numbers to cover this historic occasion. And last but not the least, I welcome the champions of our industry, the golden champions who have worked hard and have set up these plants in India and made PLI scheme such a roaring success, and their plants will be launched today. They are with us inside this room and they are connected with us from 40 different locations from the length and breadth of the country, and many of them have joined us online. I would request all of you to give these industrial champions a big hand. Ladies and gentlemen, we'll start the proceedings with a small presentation, and that will be followed by a film which will give you a pictographic view of each of these plants, and after that the Honorable Minister will inaugurate these projects. As you all know, India is the pharmacy of the world, and we have not earned this sobriquet for nothing. It's taken us years of hard work and dedication to get here. India today boasts of the largest number of WHO GMP certified plants anywhere on planet Earth, and also the largest number of US FDA certified plants outside the United States. Friends, the drugs and pharmaceutical industry in India was 2.4 lakh crores in the year 2013-14. The annual survey of industries for the year 21-22 recently came out, and to our great delight we discovered that this industry has already reached a size of rupees 6 lakh crores. And for those of you know who want to understand the meaning behind these numbers, that means a compounded annual growth rate of 12% over the last 10 years. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister launched the Atmanirbhar Bharat initiative to boost manufacturing and make India self-reliant in critical sectors. The PLI scheme is an integral part of this strategy to incentivize manufacturing and make India a key player in the global supply chains. The production-linked incentive schemes are being implemented by the Government of India with a total financial outlay of rupees 2 lakh crores. Friends, this is a big initiative, and three major schemes, the PLI schemes, are implemented by the Department of Pharmaceuticals, and these are the PLI scheme for pharmaceuticals,
the PLI scheme for bulk drugs, the PLI scheme for medical devices, and this makes the pharma and the medtech sector one of the leading sectors for the PLI schemes in the country. Friends, just to give you a brief overview, we'll share a copy of the presentation, so don't worry, please enjoy the moment. The PLI scheme for pharmaceuticals has an outlay of 15,000 crores and it provides incremental production and sales incentive for 6 years. As many as 1,800 pharmaceutical products and formulations will be manufactured in India under this scheme. Friends, this is an infographic which neatly summarizes this scheme. The scheme benefits all applicant groups, both Indian and foreign companies who believe in the Indian dream and who endeavor to make in India. The eligible products under the scheme include biopharmaceuticals, complex generics, cell-based therapies, orphan or rare disease drugs, complex excipients, and phytopharmaceuticals. It also includes repurposed drugs, autoimmune, anti-cancer, anti-diabetic, psychotropics, and cardiovascular drugs. Last but not the least, the in vitro devices. India is the generic pharmacies, the generic leader across the world, but that we should not rest on our laurels. The purpose of PLI scheme is to enhance and increase value addition in the country and move and diversify our value chains to high value products which are futuristic and will be the basis of medical therapies in the years ahead. Friends, I'm very happy to announce that under the PLI scheme for pharmaceuticals, till December 2023 alone, more than 1,20,000 crores worth of pharmaceutical products have been produced in the country, and of these, 73,000 crores, which is nearly 10 billion, have already been exported. Friends, the next scheme, the PLI scheme for bulk drugs, is a very difficult scheme. This is an area in which we were almost entirely import dependent a few years ago. This scheme envisages setting up greenfield plants, and greenfield means right bottom up from the scratch. These plants are being set up in the country for manufacture bulk drugs which heretofore were all imported in India, and this has enhanced our drug security. And I'm very happy to announce that last year, for the first time, we exported as many bulk drugs as we imported in the country. And friends, we exported more than half of our pharmaceutical output, making Indian pharmaceutical industry an export-oriented industry driving the Indian economy. Friends, the plants that we are going to inaugurate today, 22 bulk drugs will now be manufactured in India. These are the bulk drugs on which we were 100% import dependent, and you see them in the table on the left side. In addition to this, 11 bulk drugs are being manufactured, the plants are being set up, and they will be commissioned in the year ahead. And the Honorable Minister will talk about the importance of penicillin G when he delivers his address. Last but not the least, medical devices. Again,
a very ambitious scheme because when the scheme came in, we were nearly 90% dependent on medical devices. We imported almost every big medical device that you see in the hospitals from abroad. This initiative is changing the landscape. Under the scheme, we have approved 26 projects covering 138 medical devices, and of these, half the projects will be launched and dedicated to the nation today itself. Friends, under these schemes, 40 medical devices, which are familiar to all of you and cover CT scans, MRI machines, X-rays, cath labs, ventilators, anesthesia stations, body implants, and the very important cancer therapy machines like linear accelerators and the rotational cobalt machine. Next. To end with a glimpse into the future, friends, the last year for which we have the export-import data for pharmaceuticals, we exported pharmaceuticals worth 25 billion in 22-23, while our imports were only 8 billion, which means in the drugs and pharmaceutical sector, we exported three times of what we imported. Friends, please see this infographic in front of you. Medical device is the new champion. It is the rising industry, and you see a changing landscape in front of you. The red bars on the left are the imports of medical devices in the last 4 years. The purple in the middle are their imports. And as you can see, the last bar, which is the dark blue bar, which is net imports, for the first time in our history, this came down in absolute terms last year. And friends, this is not by providence. This is because of your hard work, and this is because of the PLI scheme. This is because we started manufacturing these devices, which were heretofore never manufactured in our country. And if you see the import coverage ratio, it steeply went up to 45%. And if we continue to do well, continue to go up the ladder, by 2030, we would be net zero in imports in medical devices. Friends, PLI has laid the foundation, but we should not rest on our laurels. We provide both schematic and policy support going beyond the schemes, and we will not rest on our haunches either. The PLI scheme will support the medical device industry up to 27, but going forward beyond that, the government launched the medical device policy last year, and this will provide sustained support to the industry going far beyond the PLI years, and this policy support will be based on value chain analysis, phased manufacturing program, preferential market access, quality upgrades, testing facilities, skill development, and streamlining of regulatory approvals. Friends, thank you very much for your patience. And I will now request that films may be played, giving a glimpse of all the plants that will be inaugurated today. And after that, we'll request the Honorable Minister to press the button. Thank you. Thank you, Dr. Chan. The Indian pharmaceutical industry, often referred to as the pharmacy of the world, contributes to global public health and promoting universal healthcare access across the globe. India is the world's largest provider of generic medicines by volume, with a 20% share of total global generic supplies.
It is the third largest global player in drugs and pharmaceuticals by volume estimated at a size of $50 billion in 2022-2023, and exports account for 50% of this production. It is anticipated to double to reach a size of around $130 billion by 2030. The Department of Pharmaceuticals is implementing the Production Linked Incentive, or PLI, scheme for promotion of domestic manufacturing of critical key starting materials, KSMs, drug intermediates, and active pharmaceutical ingredients, APIs, in the country, with a financial outlay of ₹6,940 crore. The initiative aligns with the government's vision for a resilient healthcare ecosystem, emphasizing sustainability and security in the pharmaceutical sector. Today's event underscores the government's commitment to fostering indigenous production, supporting technical competence and innovation in the industry. Highlights of PLI scheme. The PLI scheme for bulk drugs is an important initiative for realizing the vision of healthy and developed India of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi. The greenfield projects under the Production Linked Incentive Scheme for Bulk Drugs are Amoli Organics Private Limited has its greenfield project situated in Vapi, Gujarat, dedicated to the production of diclofenac sodium. Andhra Organics Limited has its greenfield project situated in Srikakulam, Andhra Pradesh, dedicated to the production of sulfadiazine and telmisartan respectively. Anasia Lab Private Limited has its greenfield project situated in Nalgonda, Telangana, dedicated to the production of losartan and olmesartan. Aviram Pharmachem Private Limited has its greenfield project situated in Mehsana, Gujarat, dedicated to the production of artisanate. Centrium Pharmaceuticals India Private Limited has its greenfield project situated in Nawanshahr, Punjab, dedicated to the production of astrovastatin. Dasami Lab Private Limited has its greenfield project situated in Nalgonda, Telangana, dedicated to the production of carbamazepine and oxcarbazepine. MNR Pharma Private Limited has its greenfield project situated in Sangareddy, Telangana, dedicated to the production of 1,1-cyclohexane diacetic acid, or CDA. Hazelo Lab Private Limited has its greenfield project situated in Yadadri District, Telangana, dedicated to the production of vitamin B6. Honor Lab Limited has its greenfield project situated in Sangareddy, Telangana, specializing in the production of levetiracetam and valsartan. Additionally, the company has plants in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, for the production of lopinavir and vitamin B6. Hyundai's Lab Private Limited has its greenfield project in Nalgonda, Telangana, specializing in the production of 1,1-cyclohexane diacetic acid, CDA, and acyclovir. Hetero Drugs Limited has its greenfield project in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, specializing in the production of carbidopa and levodopa. Additionally, company has its plant in Sangareddy, Telangana, for production of levofloxacin and oxcarbazepine. Globela Industries Private Limited has its greenfield project in Bharuch, Gujarat, specializing in the production of norfloxacin and ofloxacin. Creative Actives Private Limited has its greenfield project in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, specializing in the production of diclofenac sodium. Sadhana Nitro Chem Limited has its greenfield project in Raigarh, Maharashtra,
specializing in the production of para-aminophenol. Meghmani LLB has its greenfield project at Dahej, Gujarat, towards the manufacturing of para-aminophenol. Symbiotic Pharma Lab Private Limited has its greenfield project located at Dhar, MP, towards the manufacturing of prednisolone. We now seek the virtual inauguration of greenfield projects under the Production Linked Incentive Scheme for Butt Drugs by Dr. Mansukh Mandavia, Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare, Government of India, and Sri Bhagwant Khuba, Honorable Minister of State for Chemicals and Fertilizers and New and Renewable Energy, Government of India. अलग अलग जगहों पर स्थित है। Ladies and gentlemen, we are witnessing the marvels of technology. Through one centralized press of a button, we've seen the inauguration of greenfield projects under PLI scheme for bulk drugs. Ladies and gentlemen, I don't have any prepared remarks, so I'm going to speak off the cuff about the PLI scheme in general and about Make in India more generally. This year marks the 10th anniversary of the launch of Make in India. The idea was to really bump up our manufacturing ecosystem to ensure that it starts increasingly providing an increasing share in our gross domestic product, which was at that time and still is almost the same as agriculture, perhaps even a little less. Although in the recent economic review, our manufacturing share in GVA has reached 17.4%. 10 years, in that initial phase of Make in India, we focused on things like ease of doing business and providing credit, tax reforms, those kind of things. A lot of work has been done in these areas. And thereafter, during the COVID years, the government of Prime Minister Modi ensured that we converted that crisis into an opportunity. Chemicals and fertilizers, health and family welfare. मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया सभा के समक्ष उद्घाटन भाषण दें। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। साथ में 51 PLI प्रोडक्ट का लॉन्चिंग यानी कि लोकार्पण के अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित PPIT के सेक्रेटरी आरके सिंह जी, हमारे फार्मास्यूटिकल विभाग के सेक्रेटरी रमेश चावला जी, पाठक जी, हमारे MPPA के चेयरमैन पंत जी, सभी उपस्थित पैरंटर, आज मुझे खुशी इस बात की है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर एकदम आगे बढ़े। मुझे याद आ रहा है कि देश में कोविड आ चुका था, एक और सारी शिपिंग लाइन बंद थी, एयरपोर्ट बंद थे, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, बॉर्डर पर टेंशन चल रहा था, डोकलाम इश्यू हुआ था, और दूसरी ओर हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या थी।
और उसको मेडिसिन एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। हमारी 12,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एक कंपनी चलाने के लिए जरूरी बल्क ड्रग्स और ये सभी के बल्क ड्रग्स के लिए एपीआई प्लांट कई इंडिया में बनते हैं, कई हमें इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। वैसी स्थिति में जब कोविड आया और जब इंपोर्ट लाइन डिस्टर्ब हुई, उस वक्त हमने अध्ययन किया करा था कि कौन से ऐसे बल्क ड्रग्स है जो 90% हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, और ये बल्क ड्रग इंडिया में नहीं बनेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी, उस पर हम डिटेल डिस्कशन करते थे। हम 70% मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करते हैं। हम उस वक्त जब एनालिसिस करते थे तब हमारे ध्यान में आया कि 53 प्रकार के एपीआई ऐसा है कि 90% से एवं हमारी फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज के लिए बल्क ड्रग हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और ये इंपोर्ट ना हो या तो इंपोर्ट लाइन डिस्टर्ब हो तो 1000 एवं फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज पर उसके नेगेटिव इफेक्ट होने। एक देश में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज थी, लेकिन बल्क ड्रग्स की क्राइसिस होने की संभावना थी, क्योंकि सभी एंट्री पॉइंट यानी कि एयरपोर्ट सी पोर्ट सभी बंद थे। जिस कंट्री से आता था वो कंट्री ऐसी स्थिति में हमें टाइम पे देगी नहीं देगी, नहीं देगी तो क्या, उसका अल्टरनेट मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए ताकि हम वहां से एपीआई नहीं आया, इंडिया में मेडिसिन नहीं बनी, तो यही टाइप की कौन सी मेडिसिन है डिसीज में हम उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होता था। उसमें से विषय निकला कि हम मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता के तहत, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत यानी कि कोई चीज हम इंपोर्ट ही ना करें ऐसा नहीं, ग्लोबलाइजेशन के समय में हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है एक्सपोर्ट भी करना होता है, लेकिन हमारे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। बल्क ड्रग और मेडिसिन हमारे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो देश में बननी ही चाहिए। डिफेंस इक्विपमेंट हमारे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, देश में बनना ही चाहिए। ये सब विचार से ये पीएलआई स्कीम का प्रारंभ हुआ था, और उस वक्त आइडेंटिफाई किया सबसे पहली पीएलआई स्कीम ये श्रेणी में फार्मास्यूटिकल में आई थी, और उस वक्त डिसाइड करा था कि 48 प्रकार के एपीआई आइडेंटिफाई करा, और 48 प्रकार के एपीआई के साथ बल्क ड्रग के साथ बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए 14,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम लॉन्च करी थी। उसके बाद नहीं हम केवल मैन्युफैक्चरिंग करें बट दुनिया के मार्केट को कैटर करना है तो हमें कॉम्पिटिटिव और बनना होगा, और कॉम्पिटिटिव बनने के लिए बल्क में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करके दुनिया की मार्केट में हमें डंप करना पड़ेगा और मार्केट हमारे कब्जे में लेना होगा, तब जाके हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी ब्रांड को छोड़ पाएंगे यानी कि हम स्ट्रांगली हमारा माल को बेचे, इसलिए पीएलआई 215,000 करोड़ का लाया, और दोनों का बहुत सकारात्मक परिणाम होगा। आज मुझे खुशी है हमने एक साथ में 51 प्लांट पीएलआई स्कीम से बने हुए हैं, 22 बल्क ड्रग के और 39 मेडिकल डिवाइस के। आज इतने प्लांट 51 प्लांट चालू हो चुके हैं, उसका इंटरवेंशन भी मार्केट में देखने मिलता है। दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी है कि 70 जो देश में नहीं बनता, तो 75,000 करोड़ रुपीस का जो हम इंपोर्ट करते थे, आज इंपोर्ट तो बंद हुआ, हम 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाए हैं दोस्तों। ये हमारी देश बहुत समर्थवान देश है दोस्तों, हम कर सकते हैं। देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी।
देश में विल पावर की कमी थी जो मोदी जी ने आपके पुत्र तक की। ये सामर्थ्यवान देश है, कर सकता है। दोस्तों उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था कि देश में कंटेनर की क्राइसिस है, और उस वक्त मेरे पास पोर्ट शिपिंग एंड ऑटोराइज मिनिस्ट्री भी थी। तो क्या देश में 95% नॉट ओनली फॉर अवर कंट्री बट एंटायर वर्ल्ड 95% कंटेनर एक ही कंट्री बनाती थी, और यहाँ क्राइसिस होती थी, देश में कंटेनर थे नहीं। एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि यू बिलोंग फ्रॉम गुजरात एट भावनगर, भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड है और वहां फर्नेस इंडस्ट्रीज है। उन्होंने कहा कि क्या वहां के एंटरप्रेन्योर्स कंटेनर नहीं बना सकते हैं। तो मैं एक कोविड के दरमियान मेरी विजिट भावनगर हुई तो मैंने फर्नेस इंडस्ट्रीज वालों को बुलाया, मैंने कहा कि क्या आप कंटेनर नहीं बना सकते देश में, हमारे प्रति वर्ष 3-3.5 लाख कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, हमें इम्पोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स लगे, और दोस्तों 6 महीने में कंटेनर बनाना उन्होंने चालू करा। सरकार प्रो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स प्रो फार्मर्स बट इंडस्ट्रीज फैमिली गवर्नमेंट। और उस वक्त भारत सरकार का 10,000 कोंकर का 10,000 कंटेनर खरीदने के लिए टेंडर निकला, ग्लोबल टेंडर। तो मैंने माननीय मंत्री श्री रेलवे को फोन करा, मैंने कहा अभी ग्लोबल टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं है कि देश में कंटेनर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया। तो अफसर लोग मानते नहीं थे, तो मैंने मीटिंग बुलाई, हम दोनों मिनिस्टर बैठे और सभी ऑफिसर्स बैठे। उन्होंने कहा साहब ये सब लोग हर बार टेंडर डालते हैं लेकिन कोई देते नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप एक काम करिए, एक रेलवे मिनिस्ट्री के एक शिपिंग मिनिस्ट्री से 3 सीनियर ऑफिसर जाके ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की विजिट करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप उससे करिए। वो गया, आके हमको रिपोर्ट दिया, जो हो उन्होंने तो 200 करोड़ रुपीज का आपका कहने से, केवल एक व्यक्ति एक सरकार के विल देखो आप, सरकार के एक मंत्री जाके कहता है कि आप बनाइए, हम आपको घाटा का बिजनेस नहीं होने देंगे, मदद करेंगे। दोस्तों भारत सरकार के एक मंत्री को कहने से उन्होंने भावनगर में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग चालू करा, आज 200 पर डे कंटेनर बनाने की कैपेसिटी उसकी है। पीएलआई स्कीम के तहत अभी उनके लिए तो पीएलआई आई ही नहीं है, हमने लाने के लिए कहा था, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में एपीआई में आज हम क्रिटिकल एपीआई के लिए सेल्फ सस्टेन हो गए। दोस्तों ये देश में कुछ बना लेना कर लेना, इकोसिस्टम क्रिएट करो, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ जाएगा। ये देश में मैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तब पढ़ाई में सिलेबस में था कि पिंपरी में पेनिसिलिन बनाने का प्लांट है, प्लांट तो हम उसको क्वेश्चन आंसर में लिखते थे। पेनिसिलिन का प्लांट हमारा 60 के दशक में बना था, बाद में जब 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन हुआ और फ्री ट्रेड आया, दुनिया पेनिसिलिन इंडिया में डंप करने लगी, 1998 में ये देश में लास्ट पेनिसिलिन जी का प्लांट बंद हो गया। पेनिसिलिन आज हमारी कॉमन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट में से एक है, और पेनिसिलिन आज हमारे देश में ना बनता हो तो फिर हमारे यहां दिक्कत हो जाए। दोस्तों देश बनाता ही था, क्यों नहीं बना? समय के साथ सरकार ने जो एफर्ट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। भूतकाल की सरकार ने एनालिसिस करा होता कि ये पेनिसिलिन देश में बनना चाहिए, हम इंपोर्ट जो बल्क में इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, डंप हो रहा है, उसके सामने इंडिजिनियस हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, देने चाहिए। जो समय पर दिया गया होता तो ये क्रिटिकल एपीआई पर हमें दुनिया पर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो रखनी होती, ये पेनिसिलिन जी पर भी हमें दुनिया पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बंद हो गया था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, अरुणेश जी मुझे कहते थे कि साहब ये महीने में तैयार हो जाएगा पेनिसिलिन का प्लांट, आप इनॉग्रेशन करेंगे, मैंने कहा मोदी 3 गवर्नमेंट में करूंगा।
जाएंगे तो हम चुनाव में चले जाएंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, लेकिन मई महीने जून महीने में हम देश में फिर से 30 साल के बाद पेनिसिलिन जी का एपीआई का प्रोडक्शन चालू कर देंगे दोस्तों। और इसलिए पीएलआई स्कीम की इस सक्सेस स्टोरी है आने वाले दिनों में, और जो पीएलआई का प्लांट है वो भी आ रहा है। हमारी सरकार की रीति नीति कार्य पद्धति रही है, हम कोई ऑफिस में बैठ के टेबल पर डिसीजन करने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी निर्णय करना है तो अल्टीमेटली हम किसके लिए कर रहे हैं, देश की रिक्वायरमेंट के लिए। जो हम कोई प्रोजेक्ट और प्लानिंग करते हैं तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इंडस्ट्रीज करेगी। जब जिसको प्लांट चलाना है उसके साथ हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होती है, सरकार हमेशा अप्रोचेबल होती है। आप में से की टीम कई बार मैंने सामने से कहा, वो मुझे मित्र मिलने आए थे तो मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ आके सारी पीएलआई को लॉन्च करना चाहता हूँ, पीएलआई स्कीम से बना हुआ प्लांट को डेडिकेशन नेशन करना चाहता हूँ क्योंकि इंडस्ट्रीज बोल रही। मैंने ये भी कहा था अरुणेश जी को कि नहीं केवल ये प्लांट वाले ही हमारे साथ जुड़े, लेकिन यूट्यूब के द्वारा हमें सभी इंडस्ट्रीज को जोड़नी चाहिए ताकि, और उसके सामने प्रेजेंटेशन भी रखना चाहिए हमारी पीएलआई स्कीम कितनी सक्सेस रही इंडस्ट्रीज के लिए, देश के लिए। और दोस्तों इंडस्ट्रीज और सरकार परस्पर सहयोग से चलती है। हम हमारा गोल को क्यों अचीव कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट अपना हर गोल हर टारगेट मोदी की सारी गारंटी टाइम पे क्यों पूरी हो रही है। सारी दुनिया लॉकडाउन के बाद सफर कर रही थी, इकोनॉमिक टेबल हो गई थी, टेबल तो नहीं कहे माइनस हो गई थी, कंट्री खड़े नहीं हो पा रहे थे, वैसी स्थिति में हम 6-7% ग्रोथ से आगे बढ़ने लगे दोस्तों, तब हो पा रहा है। हम समस्या को समझने के लिए प्रयास करते हैं, समस्या कहाँ है, इश्यू कहाँ है, उसको एड्रेस करने के लिए कंसल्टेशन करते हैं, डिबेट और डिस्कशन ये हमारी सरकार की कार्यशैली है। और इसलिए सब लोग साथ में मिलके मोदी जी ने बहुत सही बात कही कि हमें 2047 देश की आजादी का हम जब शताब्दी वर्ष मनाता हो तब 25 साल में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने कहा कि हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, एक साथ में चल के आगे बढ़े, हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें। सभी का कर्तव्य है, एज ए मिनिस्टर मारा भी कर्तव्य है देश के प्रति। आप इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आपका भी नेशन के प्रति कर्तव्य है, ऑफिसर यहां बैठे हुए हैं उसका भी नेशन के प्रति अपना भी दायित्व है। सब लोग अपना अपना कर्तव्य को निर्वहन करें और साथ में चले संकल्पता की ओर आगे बढ़ने के लिए मोदी जी ने जब रेड फोर्ट से अमृत वर्ष के अवसर पर ध्वजवंदन के अवसर का हम एक साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि देश के एक व्यक्ति प्रयास करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, आप अकेले चलेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, लेकिन देश की 140 करोड़ की जनसंख्या एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी तो देश 140 स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाएगा। ये भावना के साथ, ये परिकल्पना के साथ मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं आप सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ, आज जिस प्लांट का डेडिकेशन हुआ है उसको भी अभिनंदन देता हूँ, जिन्होंने पीएलआई स्कीम को देखी समझी और भविष्य में उससे प्रेरणा लेके वो भी आगे बढ़ेंगे उसको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। हम सब लोग साथ में मिलके
देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए प्रयास करें, काम करें। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जब देश का इतिहास पढ़ेगी, आज भी हम इतिहास पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का सुवर्ण काल, जब राजनीतिक इतिहास हमारी न्यू जनरेशन पढ़ेगी, तब दोस्तों इतिहास के पृष्ठ पर लिखा होगा नरेंद्र मोदी का सुवर्ण काल। नरेंद्र मोदी का सुवर्ण काल के इतिहास के पन्ने की साक्षी बनने के लिए हम सब लोग साथ में मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी चाहते, सो दिस इनॉग्रल कुड हैव बीन फ्रॉम हिज ऑफिस, फ्रॉम अ मीटिंग रूम इन हिज ऑफिस, लेकिन ही वेरी राइटली सेड कि ये सरकार परस्पर सहयोग से चलती है। इंडस्ट्रीज आर पार्टनर्स टू द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। अगर आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो अकेले माननीय मंत्री जी, सचिव महोदय नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। And that is why we are deeply grateful to our chief guest, Honorable Sri Mansukh Mandaviya Ji, Honorable Minister of Chemicals, Fertilizers, Health and Family Welfare. A round of applause for Honorable Minister. Jaisa aapne suna, it is such an inspirational story that from zero containers made in India to 200 containers made per day, only because he went and motivated our industry members in Bhavnagar. And I'm so happy because हमारे president of FICCI, Dr. Anish Shah, हम आपसे मिलने गए थे सर अभी तीन दिन पहले, Dr. Anish Shah's roots are also in Bhavnagar, so we are especially happy. Our sincere appreciation to Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary DTIIT. He made a very telling point on the PLI scheme, the Productivity Leap Scheme. And I can say from FICCI's industry members' perspective, shuru mein they were initial skeptics, but I think conclusively the success of the PLI scheme has been proven, and today so many at one go in the PLI scheme have been launched. Of course, the pharmaceutical industry, as Secretary Arunish Sharnali said, India is known as the pharmacy of the world. Sir, jab hum log koi foreign delegation leke FICCI ke jaate hain, so the standard demand from all industry members across the world is ki hum aapka pharma industry se seekhna chahte hain, and that is the credit to the government and our pharma members working together. Modi ji ke netritv mein desh badal raha hai, desh aage badh raha hai, aur naya bharat ka nirman ho raha hai. और नया भारत का निर्माण का रास्ता है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि देश कोई क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर, कोई अन्य कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहे, और इस बात की पूर्तता करने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग में एक 53 API हमने आइडेंटिफाई किया था, जो 90% से अधिक हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, बट मोदी जी ने PLI 1 स्कीम, PLI 2 स्कीम के द्वारा 30,000 करोड़ रुपया से PLI स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया, बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए सुनिश्चित करा, देश में API बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में 3 बल्क ड्रग पार्क बन रहा है, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, और देश में क्रिटिकल API देश में बने उसके लिए PLI स्कीम के तहत 33 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करी, 48 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करी थी, 48 प्रोडक्ट में से 33 प्रोडक्ट बनाने की गतिविधि चालू हो गई, उसमें से आज 22 प्रोडक्ट लॉन्च की गए, यानी कि उसके प्लांट बन गए और प्रोडक्शन चालू हो गया, उसका लोकार्पण करा गया।
वैसे ही 70% मेडिकल डिवाइस आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देश में मेडिकल डिवाइस बने उसके लिए 138 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया था, उसमें से आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 39 प्रकार के मेडिकल डिवाइस आज एमआरआई मशीन देश में नहीं बनता था, उसकी जरूरी कंपोनेंट देश में नहीं बनते थे, अब देश में बनना चालू हो गया। मेमोग्राफी मशीन देश में बनना चालू हो गया, कई टाइप के मेडिकल डिवाइस आज देश में बनना चालू हो गया। तो कुल मिला के 39 + 22 बल्क ड्रग और 39 मेडिकल डिवाइस प्लांट को आज इनोग्रेट करा गया, विविध कंपनियों को के द्वारा आज इनोग्रेट करा गया, जो आने वाले दिनों में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे। A451 प्लांट ने अपना प्रोडक्शन चालू करा। जिस बल्क ड्रग हम इंपोर्ट कर रहे थे, आज यही बल्क ड्रग हम बना के दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, आवश्यकता थी विल पावर की। मोदी जी ने विल पावर के साथ काम चालू किया, नतीजा ये निकला। एक समय था ये देश में पेनिसिलिन जी बनता ही था, लेकिन दुनिया ने सस्ता बना के इंडिया में डंप करना चालू करा, हमारी इंडिजिनियस कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। नतीजा ये निकला कि देश में 1998 में लास्ट प्लांट जो बना रहा था पेनिसिलिन जी, वो भी बंद हो गया। 30 साल तक हम पेनिसिलिन जी इंपोर्ट करते रहे, लेकिन PLI स्कीम के तहत अगले जून महीने में पेनिसिलिन का उत्पादन भी देश में चालू हो जाएगा, जो हमारी मेडिसिन की फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज की आत्मनिर्भरता को बनाएंगे और देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। उसके लिए एक हैदराबाद की इंडस्ट्रीज है, प्लांट का काम भी पूरा हो चुका है, अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर है, आप लोगों को विजिट करने के लिए भी ले जाएंगे। सर, ये 30 साल पहले कहाँ पर बनता था? ये लास्ट प्लांट टोरेंट फार्मा का था अहमदाबाद में, वो बंद हुआ 1998 में। इम्प्लांट जो 6 लाख रुपए का आज लगभग आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, क्या उस पे भी कोई काम सरकार करना? हाँ, उसको भी काम, उसके पर भी काम चल रहा है, वो भी देश, ये देश की एक विशेषता है। यहाँ कोई भी मेडिसिन बन जाती है, मेडिकल डिवाइस बन जाता है, तो देश में तो सस्ता मिलता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी वो सस्ता हो जाता है। इंडिया में वैक्सीन बनी तो दुनिया को सस्ती मिल जाती है। एड्स की ड्रग्स आज 70% एड्स की ड्रग्स इंडिया में बनती है, जो आज सारी दुनिया में जाती है। इंडिया एक बार कोई मेडिसिन बना देता है तो इंडिया के लिए भी सस्ता होता है, दुनिया के लिए भी सस्ता होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, सिकल सेल की मेडिसिन हाइड्रोक्सी यूरिया, वो टेबलेट में आती थी, महंगी थी, एक साल में खर्च, एक सालाना खर्च एक पेशेंट के लिए हो जाता था 50 से 60 लाख रुपये। मैंने एक बार से भी कंपनी को आग्रह किया करा कि ये रेयर डिसीज है, उसकी मेडिसिन इंडिया में बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नीति आयोग के नेतृत्व में उसके लिए काम करना शुरू कराया, तो आज हाइड्रोक्सी यूरिया सस्पेंशन लिक्विड में बनना चालू हो गया। उसकी कीमत 4th पार्ट 5th पार्ट है, उसका डोज 50-60 लाख है, तो 10 लाख में मिलेगी। इंडिया में बनती है, सस्ता हो जाता है। अब इंडिया में 10 लाख की मिले, वो एक्सपोर्ट करे तो दुनिया में भी सस्ती हो जाएगी। वैक्सीन कोविड का $15-17 का था, इंडिया में बना $3-4 का हो गया। तो इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इंडिया का भी भला होता है, दुनिया का भी भला। सर, ग्लोबली कम्पीट करने के लिए क्वालिटी वाइज कैसे हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे? ये PLI स्कीम के अंदर जितने भी हैं ये बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चर के, उसको मेडिकल डिवाइस या बल्क ड्रग्स की बात करें तो जो क्वालिटी मेंटेन कैसे ग्लोबली कम्पीट करें? उसमें इंडिया में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अभी हमने, आप लोगों ने देखा होगा, शेड्यूल M का भी न्यू वर्जन इम्प्लीमेंट करा है। WHO GMP है, उसके इक्वेलेंट हमारा शेड्यूल M है। तो शेड्यूल M ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल M के अंतर्गत
एक स्टैंडर्ड का देश में क्वालिटी बनी रहे, यानी कि हमारा प्लांट की भी क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी रहे। और इसलिए ही आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने 150 देश में मेडिसिन एक्सपोर्ट करी थी, उसमें दो विशेषता रही। ये क्राइसिस की स्थिति थी, दुनिया के पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन नहीं थी। हमने चाहा होता तो प्राइस बढ़ा सकते थे, और दुनिया की मजबूरी थी, उसको लेने भी पड़ती। लेकिन इंडिया ने, इंडिया की इंडस्ट्रीज ने, हमने आह्वान करा था कि ये स्थिति सेवा करने की, और पहले एक्सपोर्ट करते थे वही रेट में दुनिया को एक्सपोर्ट करा। 150 देश में कहाँ से भी क्वालिटी की शिकायत नहीं आई और प्राइस हाइक किया उसे शिकायत नहीं आई। उसका फायदा पोस्ट कोविड ये हुआ, दुनिया को ऐसा लगा कि एक इंडिया ऐसी कंट्री है जो विपरीत परिस्थिति में भी हमारे साथ खड़ी रहती है, दोस्ती निभाती है। दुनिया को इंडिया के साथ दोस्ती रखनी है, क्योंकि वो क्राइसिस की स्थिति में कॉमर्स के रूप में नहीं देखती है, क्राइसिस को सपोर्ट के रूप में देखती है, सर्विस के रूप में देखती है, जो इंडिया ने करी।